ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम शील, क्या लगता है अब औपचारिक ऐलान हो जाएगा बीजेपी आरएलडी गठबंधन का? बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रही होंगी, जब पहले एनडी गठबंधन में आरएलडी रहती है, उसके बाद से जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलता है, उसके बाद जयंत चौधरी का ये फैसला आता है कि अब हम एनडीए के साथ शामिल रहेंगे। उसके बाद तमाम कई दौर की बैठकें होती हैं, उसके बाद जयंत चौधरी अमित शाह से ही मिलते हैं, उसके बाद वो शामिल हो जाते हैं। अब सीट बंटवारे को लेकर कई अटकलें थे, अब धीरे धीरे उसको उस पर भी चर्चाएं की जा रही हैं कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा। अभी अगर आपको हम तो अमित शाह की मुलाकात होने वाली है, अभी कुछ देर में हो सकती है, और जीसी की बैठक 29 तारीख को हमें देखने को मिला था, क्योंकि देर रात तक चली थी, तकरीबन देर रात 3 बजे तक वो बैठक चली थी। कहा यह भी जा रहा है कि 100 कुछ सीटों पर अपनी सूची बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसको कहां से उतारना है। तो अब जो गठबंधन में जो उसके अलाई पार्टनर हैं, एनडीए के जितने भी अलाई पार्टनर हैं, उनको कितने सीटों पर सहमति उनकी बननी बाकी की रह गई है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मूला तय हुआ था जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ, क्या उसी फॉर्मूले पे बीजेपी के साथ भी तय होगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी के साथ अगर उस फॉर्मूले पे अगर जयंत चौधरी उसी पे अड़े रहते हैं, तो क्या बीजेपी उसे मानेगी और जयंत चौधरी जैसा कहेंगे उतनी ही सीट आरएलडी को दे देगी? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि सीधे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, जिस तरीके से जयंत चौधरी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं कि एनडी गठबंधन में वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे, पर जब से चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, तो उनके तेवर में थोड़ी नरमी आई है बीजेपी को लेकर भी। तो वो बीजेपी जितनी भी सीट देगी, उस पर वो खुशी लड़ने को तैयार है और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देंगे बाकी सीटों पर। ठीक है, बने रहिएगा ओम शील हमारे साथ।